हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एज यू नो, आई एम योर टीचर मिस इकरा फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल क्लास प्ले ग्रुप। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर विद न्यू लेसन ऑफ उर्दू। आज मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ाने वाली हूँ, उर्दू का एक सबक करवाने वाली हूँ। आपकी कॉपी का एक लेसन है, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और कलरिंग देखेंगे कि हम कलरिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कलर करके दिखाने वाली हूँ। थोड़ा बहुत आपको कलर्स बताऊंगी, रंगों के नाम मतलब बताने वाली हूँ। हम आज अपनी जीनियस हुर्फ़ तहजी को भी देखने वाले हैं। और बच्चों, आप मुझे आज बताइए कि आप लोगों के अब रमज़ान कैसे जा रहे हैं? आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपने रमज़ानों में? रोज़े रख रहे हैं? इफ्तारे में मम्मा की हेल्प करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? और ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहे? और आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही है? आप लोग घर में हैं? ईद की तैयारियां चल रही है आजकल घर के अंदर, और मम्मा बहुत सारी ग्रॉसरी करती हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी ले रही हैं, बहुत सारे न्यू डिशेस ले रही होंगी, ट्रे ले रही होंगी, बहुत सारे ग्लासेस ले रही होंगी, क्योंकि ईद में बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमारे घर पर। और जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, मम्मा पकाती हैं। तो हमें क्या करना है? मम्मा अकेले अकेले गर्मी में काम करेंगी तो मम्मा भी थक जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है? यस, आप लोगों ने मम्मा की मदद करवानी है, मम्मा का हाथ बटाना है, ताकि मम्मा अकेले जब काम करके थक जाएँ तो आप उनकी हेल्प करें, उनके साथ कुछ काम करवाएंगे। ठीक है, ताकि मम्मा का थोड़ा सा हाथ बढ़ जाए, छोटी छोटी चीज़ें करके देंगे। मम्मा कहे कि मम्मा प्लेट ला दो, बेटा प्लेट ला दो, तो आप फौरन जाके मम्मा को प्लेट ला के देंगे। मम्मा कहेंगे कि नाइफ ला दो, तो नाइफ़ को हम बहुत स्लोली उठाएंगे और हम उसको ऐसे पकड़ेंगे जैसे हमें लगे नहीं। ठीक है, तो हमें मम्मा की छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प करनी है। नाइफ़ अगर आप ना भी उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो हम नाइफ़ नहीं उठाएंगे, लेकिन हम फॉक दे सकते हैं, स्पून्स दे सकते हैं, प्लेट्स दे सकते हैं मम्मा की हेल्प करवाने के लिए। इफ्तारी में मम्मा की हेल्प करवा सकते हैं जूस को शेक करने में, और मतलब कि जूस को बनाने में मम्मा की हेल्प करेंगे। शेक्स मम्मा बनाती हैं शाम में इफ्तारी के वक्त, तो हमें शेक बनाने में मम्मा की बहुत हेल्प करनी है। तो हम मम्मा को हर वे में हेल्प करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को भी अपना बहुत ध्यान रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस धूप से अपने अपने आप को बचाना है। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरी सारी बातों पे अमल करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अब हम अपनी बुक हुर्फ़ तहजी, जीनियस हुर्फ़ तहजी की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम अपना आज का काम खोल लेते हैं और उसको रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर हम अपने कॉपी का भी काम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट योर वर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ठीक है, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 25 एंड 26। ओके, ये मैंने पेज खोल दिया है, पेज नंबर 25 एंड हियर इज़ द पेज नंबर 26। ओके, नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं द। दाल की आवाज़ है द, द। ज़रा सब मेरे साथ पढ़ेंगे, द, द। दाल की आवाज़ है द। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे अब, हम इसको ट्रेस भी करेंगे। द, द। दाल की आवाज़ द, दाल की आवाज़ द। हम कैसे पढ़ते थे इसे?
हम अपने घर से निकलेंगे, दादी में जाएंगे और फिर हम अपनी नानी के घर आ जाएंगे। हम अपने घर से निकलेंगे, गली में जाएंगे और नानी के घर आ जाएंगे। द से दवाई, 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 द से दवाई। द से दांत, 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 द से दांत। ठीक है, दांत हमारे टीथ जो हमें रोज़ ब्रश करने होते हैं। कौन कौन रोज़ ब्रश करता है ज़रा जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सारे बच्चे करते हैं, अभी तो बहुत अच्छी बात है। द से दांत और द से दवाई, द से दांत, द से दवाई। दाल की आवाज़ है द, दाल की आवाज़ है द। द से दवाई, द से दांत। हमारे पास इसका फ्लैश कार्ड भी है, हम उसे भी देख लेंगे साथ में। द से दवाई, द से दांत, द से दवाई, द से दांत, द से दवाई, द से दांत। ठीक है, और द से क्या क्या आता है कोई मुझे बताएगा? जी, दाल से आता है दरवाज़ा, दाल से आता है, द से आता है दरवाज़ा, दवाई, दांत। और कौन कौन से अल्फाज आते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। सो टर्न योर पेज, वेल डन। नाओ व्हाट इज दिस, क्या है ये? दाल। जी हाँ, ये है तो दाल की शक्ल वाला, लेकिन इसके ऊपर है एक छोटी सी टॉय की टोपी, छोटी सी टोपी, दाल के ऊपर छोटी सी टोपी, दाल के ऊपर छोटी सी टोपी। दाल, दाल की आवाज़ है डा, दाल की आवाज़ है डा, दाल की आवाज़ है डा, दाल की आवाज़ डा। ड से डॉक्टर, 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 ड से डब्बा, ड से डब्बा, ड से डब्बा, ड से डॉक्टर, 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 ड से डब्बा। और ड से क्या आता है? ड से डंडा। ठीक है, ड से डंडा। और आपको कोई और अल्फाज आएंगे तो आप वो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम भरेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। टर्न योर पेज, टर्न योर पेज। यस, ज से ज़खीरा, ज से ज़रात, ज से ज़खीरा, ज से ज़रात। ज़ाल की आवाज़ है ज, ज़ाल की आवाज़ है ज, ज से ज़खीरा, ज से ज़रात, ज से ज़खीरा, ज से ज़रात, ज ज़खीरा, ज ज़रात, ज ज़खीरा, ज ज़रवा ज़रात, ज ज ज। ज के ऊपर एक नुक्ता, जैसे ड के ऊपर एक छोटी सी टॉय थी और दाल के ऊपर कुछ भी नहीं था, इसी तरीके से दाल के ऊपर छोटी सी टॉय, जाल के ऊपर छोटा सा नुक्ता। ज ज, ज से ज़खीरा, ज से ज़रात,
Okay, dear students, now turn your page, turn your page. Yes. Rail. Rail. हम ऊपर से सीधे निकलेंगे और फिर टर्न हो जाएंगे. रे की आवाज़ है र. रे की आवाज़ है र. रा से रस्सी, रा से रेलगाड़ी. 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 रा से राजा भी आता है और रानी भी आता है. रा से राजा, रा से रानी. रा से रस्सी, रा से रेलगाड़ी. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. रे. रे. रे की आवाज र. रे की आवाज र. रे की आवाज र. र से पहाड़. 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 र से आड़ू. र के ऊपर एक छोटी सी तोए. र से पहाड़. र से आड़ू. र से पहाड़. र से आड़ू. वेरी गुड. रे की आवाज़ र. रे की आवाज़ र. रे की आवाज़ र. र के ऊपर एक छोटी सी टोपी. र से पहाड़. र से आड़ू. वेरी गुड. नाउ टर्न योर पेज. ओके, हियर वी हैव अनदर वर्ड ज़े. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ज़े. ज़े की आवाज़ है ज़ा. ज़े की आवाज़ है ज़ा. ज़ा के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता. ज़े की आवाज़ है ज़ा. ज़ा के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता. ज़ा के ऊपर छोटा सा नुक्ता. ज़ा से जंजीर. ज़ा से जंजीर. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. वेरी गुड. नाउ ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता. ज़ा के ऊपर छोटा सा नुक्ता. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ज़े की आवाज़ ज़ा. ज़ा से जंजीर. ज़ा से ज़ेवर. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म होती है. अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे और उससे पहले हम एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं. दाल की आवाज़ द. दाल की आवाज़ द. द से दवाई. द से दांत. द से दवाई. द से दांत. दाल की आवाज़ ड. दाल की आवाज़ ड. ड से डॉक्टर. ड से डब्बा. ड से डॉक्टर. ड से डब्बा. जाल की आवाज़ ज. जाल की आवाज़ ज. जाल की आवाज़ ज. ज से ज़खीरा. ज से ज़खीरा. ज से ज़र्रात. ज से ज़खीरा. ज से ज़र्रात. रे. रे. रे की आवाज़ र. रे की आवाज़ र. र से रस्सी. र से रेल. रेलगाड़ी. र से रस्सी. र से रेलगाड़ी. र से रस्सी. र से रेलगाड़ी. ओके.
रेसे रे की आवाज़ रा, रे की आवाज़ रा, रा से पहाड़, रा से आरू, रा से पहाड़, रा से आरू। रा से कोई अल्फाज शुरू नहीं होता, रा हमेशा अल्फाज के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि पहाड़, आड़ू और घोड़ा। इसी तरीके से हमारे पास ज़ भी दिया हुआ है और ज़ भी किसी की आवाज़ साथ आता है। और अब आगे ज़े, ज़े की आवाज़ ज़ा, ज़े की आवाज़ ज़ा, ज़ा से ज़खीरा, ज़ा से ज़ेवर, ज़ा से ज़खीरा, ज़ा से ज़ेवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आर जीनियस बुक रीडिंग इज कम्प्लीट। नाउ वी आर डूइंग आर कॉपी वर्क। सो ओपन योर कॉपी एंड टेक आउट योर 4 and 5 पेज नंबर कॉपी। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेज नंबर 4 एंड स्टार्ट द वर्क विथ मी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दाल, डाल, रे और जे को नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दाल, 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 दाल। Now next, dal, 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 dal. डार, रे, 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 रे से रेलगाड़ी और रे से रस्सी, रे से रेलगाड़ी, रे से रस्सी, दाल से दवाई, दाल से दांत, दा से दवाई, दा से दांत, डा से डॉक्टर, डा से डंडा, डा से डब्बा, रे से रस्सी, रेल से, रे से रेलगाड़ी। नाओ जे, जे से ज़खीरा, जे से ज़ेवर, ज़ से ज़खीरा, ज़ से ज़ेवर, ज़ से ज़खीरा, ज़ से ज़ेवर, ज़ से ज़खीरा, ज़ से ज़ेवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड विथ मी। दाल से दवाई, दाल से दांत, दाल से डब्बा, दाल से डॉक्टर, रा से रस्सी, रा से रेलगाड़ी, जा से ज़खीरा, जा से ज़ेवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस पेज नंबर 4 ऑफ योर कॉपी इज कंप्लीट। आपका ये पेज नंबर 4 कॉपी का कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे ही नीचे नीचे उतार के कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ आवर पेज नंबर 5। अब हम करेंगे अपनी पेज नंबर 5, रंग भरिए। रंग भरिए, हमें क्या करना है, हमें, हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की पिक्चर्स है और हमें इसके अंदर क्या करना है, रंग को भरना है, रंग को भरना है। क्या आप मुझे बताएंगे ये कौन सा कौन सी वेजिटेबल है,
यह कौन सी सब्जी है? जी हाँ, यह है बैगन। यह है बैगन। ये कौन सी सब्जी है? जी, ये सब्जी है बैगन। बैगन में कौन सा रंग होता है? कोई मुझे बताएगा? जी हाँ, बैगन में होता है जामनी कलर। मेरे पास यहाँ पे कुछ कलर पेंसिल्स हैं। आप लोगों ने भी ऐसे कोई कलर पेंसिल्स जो आपके पास मम्मा ने आपको बॉक्स दिया होगा कलर पेंसिल का, आप वो निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जामनी कलर कहाँ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरे पास जामनी कलर, मतलब पर्पल। क्या आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ। अब हम इसमें कलर कैसे करेंगे? हम इसमें कलर ऐसे करेंगे, जब आप अपने कॉपी में करेंगे, पहले हमें इसके आउटलाइन को कलर करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे कलर करेंगे हम। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइंस में अच्छे से कलर कर लेंगे, ताकि रंग बाहर ना निकले। और उसके बाद फिर हम इसमें कलर करेंगे, पूरा पर्पल कलर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, और इसके पत्ते में कौन सा कलर होगा बच्चों? यस, इसके पत्ते में कलर होगा ग्रीन। कौन सा कलर होगा? ग्रीन, यानी हरा कलर। यानी हरा कलर, हम हरा कलर निकालेंगे और इसके यहाँ पत्ते में करेंगे हरा कलर। और ऐसे करेंगे ताकि ये कलर बाहर ना निकले। ओके, नाउ नेक्स्ट, गुब्बारा। वाओ, दिस इज एवरीवन्स फेवरेट बलून, है ना? सबको बलून पसंद है। आप बलून में कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, इसीलिए मैं करूँगी इसमें ब्लू कलर। ठीक है, हम इसमें कौन सा, मैं इसमें रंग भर रही हूँ ब्लू। पर जो बलून्स होते हैं वो बहुत सारे कलर के होते हैं, गुब्बारे। तो आप अपना कोई भी फेवरेट कलर आप गुब्बारे में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने नीला कलर किया है, आप पीला, गुलाबी, जामनी, हरा, नारंगी, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। अब हमारे पास बना हुआ है टमाटर। क्या बना हुआ है? टमाटर। टमाटर में हम कौन सा रंग भरेंगे? जी हाँ, हम भरेंगे लाल रंग। तो हम लाल रंग ऐसे करेंगे कि हमारे कलर पहले और बॉर्डर्स को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे अंदर, फिर हम जब इस टमाटर के अंदर कलर करेंगे तो हम बाहर ना निकाल सकें। और इसके पत्ते में कलर करेंगे हरा। कौन सा कलर करेंगे? हरा कलर करेंगे। जी हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग ने पूरा काम कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का काम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।